नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम 2018 में आपका स्वागत है। एनवायरनमेंट के रिवीजन का यह हमारा 11th लेक्चर है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अगला आर्टिकल वर्ल्ड की फर्स्ट माइक्रो फैक्ट्री के बारे में है। ये माइक्रो फैक्ट्री ई वेस्ट को टैकल करेगी। भारतीय मूल के एक वैज्ञानिक हैं ऑस्ट्रेलिया में, उन्होंने इस माइक्रो फैक्ट्री को पब्लिश किया है। हालांकि अभी कॉमर्शियल यूज के लिए ये माइक्रो फैक्ट्री मार्केट में नहीं आई है, क्योंकि अभी भी इस माइक्रो फैक्ट्री पे काम चल रहा है। देखो, वैसे आमतौर पे जो ई वेस्ट होता है, जैसे पुराने कंप्यूटर्स, पुराने लैपटॉप्स, पुराने मोबाइल फोन्स या फिर टैबलेट्स, इन सबको हम यूं ही फेंक देते हैं, हमको लगता है काम के नहीं है ये चीज़ें। लेकिन ई वेस्ट में से भी जरूरी चीज़ें निकाल के उनको रिकन्वर्ट करके ई वेस्ट को वेल्थ में कन्वर्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ई वेस्ट में देखो, जो ग्लास होता है या फिर जो प्लास्टिक्स होता है उसको माइक्रो मटेरियल्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। इवन प्लास्टिक्स को 3D प्रिंटिंग में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा जो जरूरी मेटल्स होते हैं उनको भी ई वेस्ट से निकाल के दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये आप याद रखिएगा, पहली जो माइक्रो फैक्ट्री है वो भारतीय मूल के एक वैज्ञानिक है ऑस्ट्रेलिया में, उन्होंने लॉन्च की है। माइक्रो फैक्ट्री क्या होती है? माइक्रो फैक्ट्री एक ऐसी फैक्ट्री होती है जिसमें या तो एक मशीन होती है या फिर कई सारी छोटी छोटी मशीन्स की पूरी सीरीज होती है जो कि विभिन्न तरह के फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। अब देखो, इसी प्रकार की माइक्रो फैक्ट्री का इस्तेमाल किया जाएगा ई वेस्ट को वेल्थ में कन्वर्ट करने के लिए, यानी जरूरी चीजों में कन्वर्ट करने के लिए। ये पूरा आर्टिकल था, चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल आर्सेनिक पोल्यूशन के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? कंटेस्ट हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले कुछ बेसिक्स से मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं। बायो रिमीडिएशन क्या है? देखो, बायो रिमीडिएशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की सहायता से, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया, तो इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की सहायता से पोल्यूटेंट्स को तोड़ा जाता है, उनका ब्रेकअप किया जाता है, उनको डिग्रेड किया जाता है ताकि पोल्यूशन को कम किया जा सके। और कई बार तो पोल्यूटेंट्स को टॉक्सिक फॉर्म से नॉन टॉक्सिक फॉर्म में भी कन्वर्ट किया जाता है। अब आते हैं आर्टिकल की तरफ। अभी कंटेक्स्ट ये है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के कुछ रिसर्चर्स ने ऐसे दो बैक्टीरियाज को आइडेंटिफाई किया है, AK1 और AK9। इन बैक्टीरियाज का इस्तेमाल किया जा सकता है आर्सेनिक 3। देखो, अगर पानी में आर्सेनिक 3 मिला हो तो वो पानी पीने लायक नहीं होता, काफी जहरीला होता है वो पानी। लेकिन अगर आर्सेनिक 3 बैक्टीरिया को आर्सेनिक 5 बैक्टीरिया में कन्वर्ट कर दिया जाए तो वो पानी उतना ज्यादा हार्मफुल नहीं होगा। तो दो बैक्टीरियाज को आइडेंटिफाई किया है साउथ बिहार की सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने, AK1 और AK9। ये दो बैक्टीरियाज आर्सेनिक 3 को आर्सेनिक 5 में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि बिनाइन फॉर्म है। पानी में अगर मिला हो आर्सेनिक 5 तो उतना ज्यादा खतरनाक नहीं है। तो ये प्रोसेस क्या होगी? ये प्रोसेस होगी बायो रिमीडिएशन। आर्सेनिक देखो, अर्थ के क्रस्ट में बहुत ज्यादा मिलता है और ग्राउंड वाटर में भी बहुत ज्यादा मिलता है कई देशों में। हमारे देश में वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मणिपुर, छत्तीसगढ़, ये राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित हैं आर्सेनिक कंटामिनेशन ग्राउंड वाटर की समस्या से। यानी इन राज्यों के ग्राउंड वाटर में आर्सेनिक कंटामिनेशन की समस्या सबसे ज्यादा है। अगर देखो, लंबे समय तक उस पानी को पिया जाए जो कि पोल्यूटेड है आर्सेनिक से, तो कई तरह के डिजीज हो जाते हैं, जैसे आर्सेनिकोसिस। इसके अलावा और भी काफी तरह के हेल्थ इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे स्किन प्रॉब्लम्स, स्किन कैंसर, कैंसर ऑफ ब्लैडर, किडनी, लंग्स। तो ये सारे हेल्थ इफेक्ट्स हो सकते हैं अगर उस पानी को पिया जाए जो पोल्यूटेड है आर्सेनिक से। WHO की गाइडलाइंस ये कहती हैं कि अगर देखो, एक लीटर पानी में 0.01 मिलीग्राम से ज़्यादा आर्सेनिक है तो वो पानी पीने लायक नहीं है। लेकिन इंडिया में चूंकि अल्टरनेटिव सोर्सेज नहीं है पानी के, तो इसलिए इंडिया में उस पानी को भी पी लिया जाता है जिसमें एक लीटर में 0.05 मिलीग्राम से ज़्यादा आर्सेनिक है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया आर्सेनिक कंटामिनेटेड वाटर के बारे में। चलते हैं आगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल इंटरनेशनल एनर्जी फोरम के बारे में है। कंटेस्ट क्या है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरनेशनल एनर्जी फोरम के 16वें एडिशन का इनॉग्रेशन हुआ। इंटरनेशनल एनर्जी फोरम का 16वां एडिशन इंडिया में ऑर्गेनाइज हो रहा है और इसे इंडिया के द्वारा होस्ट किया जा रहा है, लेकिन इंडिया के साथ साथ चाइना और कोरिया भी को होस्टिंग कर रहे हैं इंटरनेशनल एनर्जी फोरम के 16वें एडिशन की। थीम है द फ्यूचर ऑफ ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी, ट्रांजिशन, टेक्नोलॉजी, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। यहां पे देखिए, ये थीम है इंटरनेशनल एनर्जी फोरम के 16वें एडिशन की। ये एडिशन वर्ल्ड के विभिन्न कंट्रीज के एनर्जी मिनिस्टर्स की लार्जेस्ट गैदरिंग है। एनर्जी मिनिस्टर्स के अलावा एनर्जी से जुड़े जो इंडस्ट्री लीडर्स हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के हेड्स हैं, वो सब भी पार्टिसिपेट करेंगे इंटरनेशनल एनर्जी फोरम के 16वें एडिशन में और चर्चा होगी, डेलिब्रेशंस होंगी, कैसे जो नई टेक्नोलॉजी है वो एनर्जी मार्केट को इन्फ्लुएंस कर रही है,
किस प्रकार से एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आएगी फ्यूचर में या फिर नहीं आएगी, तो इन सब बातों पर चर्चा होगी इंटरनेशनल एनर्जी फोरम के 16वें एडिशन में। देखो, हम बात करें इंटरनेशनल एनर्जी फोरम की, तो इसका जो सेक्रेटरिएट है वो रियाद सऊदी अरेबिया में है। मेंबर कंट्रीज की संख्या है 72। दो साल में एक बार मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑर्गेनाइज होती है इंटरनेशनल एनर्जी फोरम की, और ये मीटिंग वर्ल्ड की लार्जेस्ट गैदरिंग होती है एनर्जी मिनिस्टर्स की, जैसा हमने पहले डिस्कस किया। क्योंकि देखो, एनर्जी से जुड़ी और दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे एक ओपेक है। ओपेक का निर्माण हुआ था 1960 में। ये तो एक कार्टल की तरह काम करता है। जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं उनका समूह है ओपेक। ये कंट्रीज मिलकर डिसाइड करते हैं ऑयल की प्रोडक्शन को कम करना है, बढ़ाना है, मार्केट के हिसाब से दाम किस प्रकार से होने चाहिए। तो ओपेक ये है। ओपेक के मेंबर कंट्रीज की संख्या है 14। इसके अलावा इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का निर्माण किया गया था 1973 में। 1973 में क्या हुआ था, ऑयल इंबार्गो हो गया था। उस समय युद्ध हुआ था इजराइल का अरब देशों के साथ। तो देखो, जिन यूरोपियन कंट्रीज ने इजराइल का साथ दिया था उनको ऑयल देने से मना कर दिया था ओपेक कंट्रीज ने, तो ऑयल के क्राइसिस पैदा हो गए थे इंटरनेशनल मार्केट में, जो ऑयल के दाम थे बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। तो इस सिचुएशन में वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा एक एजेंसी का निर्माण किया गया था, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इसका जो सेक्रेटरिएट है वो पेरिस में है। मेंबर कंट्रीज की संख्या है 29। तो इंटरनेशनल एनर्जी फोरम इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन से बड़ा है, क्योंकि इंटरनेशनल एनर्जी फोरम में मेंबर कंट्रीज की संख्या है 72। हेडक्वार्टर कहां पे है, रियाद सऊदी अरेबिया। तो ये पूरा आर्टिकल था इंटरनेशनल एनर्जी फोरम के बारे में। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल ग्रीन कंपनी रेटिंग सिस्टम के बारे में है, यानी ग्रीन को रेटिंग। ये इनिशिएटिव है CII का, यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। देखो, पहले मैं इसी के बारे में बता देता हूं आपको, CII के बारे में। ये नॉन गवर्नमेंट नॉट फॉर प्रॉफिट बॉडी है। इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स शामिल हैं इस CII बॉडी में, और इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा ही इस बॉडी को मैनेज किया जाता है। इंडिया के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन इंडस्ट्रीज के इंटरेस्ट को प्रमोट करती है ये बॉडी, और कोशिश ये भी करती है कि इंडियन कंपनीज को, इंडियन इंडस्ट्रीज को और ज़्यादा एफिशिएंट बनाया जाए और ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाया जाए। तो इसी ऑब्जेक्टिव के चलते अब CII ने ग्रीन को रेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है। इस इनिशिएटिव का मकसद ये है कि इंडियन कंपनीज की ग्रीन परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जाए। अगर देखो, इंडियन कंपनीज की ग्रीन परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जाएगा तो ना सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करा जा सकेगा, बल्कि इंडियन कंपनीज को फाइनेंशियली भी काफ़ी फायदा होगा। तो ध्यान दिया जा रहा है 10 इंडिकेटर्स पे। इंडियन कंपनीज जो भी काम कर रही हैं, जो भी प्रोड्यूस कर रही हैं, उनका काम एनर्जी एफिशिएंट होना चाहिए, यानी उस काम में एनर्जी को अच्छे से यूज किया जाए, वाटर को अच्छे से कंजर्व किया जाए, उस काम में रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस किया जाए। तो ये 10 इंडिकेटर्स हैं। इन 10 इंडिकेटर्स पे फोकस करके इंडिया की जो कंपनीज हैं वो अपनी ग्रीन परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकती हैं, और इस काम में मदद कर रही हैं इंडियन कंपनीज की CII, जैसा हमने डिस्कस किया, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। और अभी कंटेक्स्ट ये है कि CII की सहायता से रेलवेज के 42 प्रोडक्शन यूनिट में भी ये ग्रीन को रेटिंग सिस्टम स्टार्ट हो गया है। तो ये कंटेक्स्ट है फिलहाल, पूछ सकती है, इंपॉर्टेंट है, ग्रीन को रेटिंग सिस्टम किसका इनिशिएटिव है और मकसद क्या है। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल हिमालयन याक के बारे में है। पहले आप तस्वीर देख लीजिए हिमालयन याक की। देखो, हिमालयन रीजन में जो नोमैड्स होते हैं, यानी जो घुमंतू लोग होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हैं चारे की तलाश में, तो नोमैड्स लोगों के लिए हिमालयन याक लाइफलाइन है, क्योंकि हिमालयन याक से नोमैड्स को, घुमंतू लोगों को बहुत सारी चीजें मिलती हैं, जैसे मिल्क, फाइबर, मीट। हिमालयन याक के जो बाल होते हैं काफी लंबे होते हैं, और एक खास प्रॉपर्टी है हिमालयन याक के बालों की, वाटर रेसिस्टेंट होते हैं। इसी वजह से मटेरियल्स को पैक करने के काम आते हैं हिमालयन याक के जो हेयर्स होते हैं। IUCN की रेड लिस्ट में हिमालयन याक फिलहाल वल्नरेबल कैटेगरी में आता है, लेकिन चिंता का विषय यह है कि संख्या काफी कम हो रही है हिमालयन याक की। और एक मुख्य रीजन संख्या कम होने का यह है कि टेम्परेचर काफी कम हो रहा है। देखो, काफी सर्दियों में सर्वाइव करते हैं हिमालयन याक, इवन -40 डिग्री सेल्सियस तक भी सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन अगर टेम्परेचर 13 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बढ़ जाता है तो हिमालयन याक इस टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर सकते। कहने का मतलब है कि बहुत मुश्किल हो जाता है हिमालयन याक के लिए सर्वाइव करना, क्योंकि देखो, हिमालयन याक की बॉडी का मैकेनिज्म इस प्रकार से है कि सर्दियों में हीट को कंजर्व तो कर सकते हैं, लेकिन गर्मियों में पसीने की सहायता से, स्वीट की सहायता से हीट को रिलीज नहीं कर पाते, इसीलिए 13 डिग्री सेल्सियस से ऊपर उनके लिए बहुत कठिनाई हो जाती है।
वैसे देखो टेम्परेचर के अलावा और भी दूसरे रीजन्स हैं, जैसे ग्रेजिंग एरियाज, चारे का जो एरिया है वो कम हो रहा है, इस वजह से भी हैबिटेशन जो है हिमालयन याक का वो कम हो रहा है। हिमालयन याक को कंजर्व करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि नोमैड्स की लाइफलाइन है, अगर हिमालयन याक कम होते हैं तो नोमैड्स की जिंदगी पर भी असर पड़ेगा। तो ये पूरा आर्टिकल था हिमालयन याक के बारे में। अगला आर्टिकल प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2018 के बारे में है। कंटेस्ट क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इन नए रूल्स को पब्लिश किया है। देखो इन नए रूल्स की एक खास बात यह है कि मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक, ये स्क्रीन पे देखिए, जो चिप्स होते हैं या फिर जो गुटके होते हैं जिन पैकेट्स में इनको स्टोर करके रखा जाता है, ये पैकेट्स एग्जाम्पल हैं मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक के। ये पैकेट्स नॉन रिसाइकलेबल होते हैं, यानी इन मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक को रिसाइकल नहीं किया जा सकता और इनका कोई दूसरा अल्टरनेटिव यूज भी नहीं होता। तो अब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने यह फैसला लिया है इन मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक्स को धीरे धीरे सिस्टम से फेस आउट किया जाए, और इसके लिए सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा एक सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्रेशन सिस्टम इवोल्व किया जाएगा। होगा क्या, देखो जो कोई भी कंपनी इस प्रकार के मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक्स को प्रोड्यूस करेगी हमारे देश में, या फिर कोई कंपनी बाहर से इस प्रकार के मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक को इंपोर्ट करेगी, या फिर ब्रांड ओनर, फॉर एग्जाम्पल लेज यहां पे ब्रांड ओनर है, या फिर पेरेंट जो ओनर है लेज का वो कोई और हो सकता है, इन सबको अपने आप को रजिस्टर करवाना होगा सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्रेशन सिस्टम में, जिसको इवॉल्व किया जाएगा जैसा हमने डिस्कस किया सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा। मकसद वही है, धीरे धीरे इस प्रकार के मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक्स को फेस आउट करना। तो ये पूरा आर्टिकल था प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2018 के बारे में। चलते हैं आगे, अगला आर्टिकल ओलिव टर्टल्स के बारे में है। हर एक साल उड़ीसा के गंजम डिस्ट्रिक्ट में ऋषिगुल्या रुकेरी कोस्ट पर नवंबर दिसंबर के मौसम में ओलिव टर्टल्स आते हैं और सिंक्रोनाइज्ड वे में मास नेस्टिंग करते हैं, मतलब थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे खड्डा खोदते हैं, अंडे देते हैं और उन अंडों को डेवलप करते हैं। कौन से सीजन में ये आते हैं, नवंबर दिसंबर के सीजन में। लेकिन अभी एक रेयर फेनोमेना हुआ है, वैसे इनका आने का सीजन नवंबर दिसंबर है जैसा हमने डिस्कस किया, नवंबर दिसंबर में आ गए थे, लेकिन कुछ ओलिव टर्टल्स इस समय पहुंचे हैं अप्रैल के महीने में। तो दूसरी बार ओलिव टर्टल्स पहुंचे हैं उड़ीसा के गंजम डिस्ट्रिक्ट में ऋषिकुल्या रुकेरी कोस्ट पर, ये एक रेयर फेनोमेना है। तो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स का कहना है कि देखो इतना भी रेयर नहीं है, पहले भी ऐसा हुआ है, 2011 में भी दूसरी बार आए थे ओलिव टर्टल्स और उससे पहले भी आ चुके हैं एक साल में दो बार। हम बात करें ओलिव टर्टल्स की तो IUCN की रेड लिस्ट में वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं ओलिव टर्टल्स। इन टर्टल्स को पैसिफिक रिडले सी टर्टल्स भी कहा जाता है, और ओलिव टर्टल्स मेनली मिलते हैं इंडियन ओशन में और पैसिफिक ओशन में, ट्रॉपिकल वाटर्स या फिर वार्म वाटर्स में मिलते हैं मेनली। और ओलिव टर्टल्स का नाम ओलिव इसलिए है कलर के कारण, ओलिव कलर के कारण इनका नाम ओलिव टर्टल्स है। काफी सारी ट्रीटीज और कन्वेंशंस में प्रोटेक्ट किया गया है ओलिव टर्टल्स को, जैसे इनडेंजर्ड स्पीसीज के इलीगल ट्रेड को रोकने के लिए कन्वेंशन है साइट्स, साइट्स के अपेंडिक्स वन में आते हैं ओलिव टर्टल्स। इसके अलावा एक दूसरी कन्वेंशन है CMS, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज, इस कन्वेंशन में भी प्रोटेक्ट किया गया है ओलिव टर्टल्स को। और इंटर अमेरिकन कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ सी टर्टल्स, ये भी एक कन्वेंशन है सी टर्टल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो इस कन्वेंशन में भी प्रोटेक्ट किया गया है ओलिव टर्टल्स को। तो ये पूरा आर्टिकल था। अगला आर्टिकल सुंदरबंस के बारे में है। क्या कंटेस्ट है, सुंदरबंस को जल्द ही रामसर साइट का दर्जा मिल सकता है। पहले हम रामसर कन्वेंशन के बारे में कुछ बेसिक्स डिस्कस कर लेते हैं। रामसर कन्वेंशन एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, मकसद इस कन्वेंशन का यह है वेटलैंड्स को कंजर्व करना और वेटलैंड्स को सस्टेनेबल रूप से यूटिलाइज करना। ये कन्वेंशन एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है क्या नेशनल एक्शन लिया जा सकता है और क्या इंटरनेशनल एक्शन लिया जा सकता है वेटलैंड्स को कंजर्व करने के लिए। इस कन्वेंशन को साइन किया गया था 1971 में ईरान में, ईरान में एक जगह है रामसर, वहां पे इस कन्वेंशन को साइन किया गया था, इसीलिए इस कन्वेंशन का नाम है रामसर कन्वेंशन। इंडिया सिग्नेटरी है इस कन्वेंशन का, इसके अलावा 169 देश सिग्नेटरी हैं रामसर कन्वेंशन के। टोटल अभी तक रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत 2241 साइट्स को रिकॉग्नाइज किया गया है। अकेले इंडिया से 26 साइट्स को रिकॉग्नाइज किया गया है प्रोटेक्शन के लिए रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत। रामसर की ये 26 साइट्स इंपॉर्टेंट हैं प्री के लिए, इनके बारे में आप जरूर पढ़ के जाइएगा। आप एक काम कर सकते हो, पिछले साल OnlyIS पे एक वीडियो डाली गई थी रामसर साइट से संबंधित, तो वो आप वीडियो भी देख सकते हो, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी या फिर आप सर्च भी मार सकते हो यूट्यूब में।
इसके अलावा देखो रामसर कन्वेंशन में एक मोंट्रियक्स रिकॉर्ड भी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था 2014 में। मोंट्रियक्स रिकॉर्ड एक रजिस्टर है, एक लिस्ट है उन वेटलैंड्स की जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के हैं और जिनका इकोलॉजिकल करेक्टर पिछले कुछ समय में या तो चेंज हो चुका है या फिर फ्यूचर में चेंज होने वाला है। किसके कारण? टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स के कारण, प्रदूषण के कारण या फिर ह्यूमन रिलेटेड एक्टिविटीज़ के कारण। तो उन वेटलैंड साइट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है रामसर कन्वेंशन के अंदर और लिस्ट मेंटेन की जाती है मोंट्रियक्स रिकॉर्ड में। मोंट्रियक्स रिकॉर्ड को इस्टेब्लिश किया गया था 1990 में कॉन्फ्रेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज की रिकमेंडेशंस के बाद। और देखो ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैं वही डिसाइड करती हैं कि कौन सी साइट को मोंट्रियक्स रिकॉर्ड में ऐड करना है और कौन सी साइट को मोंट्रियक्स रिकॉर्ड में से रिमूव करना है। अब एक क्वेश्चन आप जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा, 2014 में ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था। इस डिस्कशन पर आधारित आप इस क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा, आसानी से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे दोगे। अब हम डिस्कस करते हैं सुंदरबंस के बाद जो इस पूरे आर्टिकल का कंटेक्स्ट है। सुंदरबन को जल्द ही रामसर साइट का दर्जा मिल सकता है। हमारे देश का जो टोटल मैनग्रोव फॉरेस्ट कवर है उस कवर का 43% अकेले सुंदरबंस में आता है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया 2017 की रिपोर्ट के अनुसार। इसके अलावा देखो सुंदरबंस को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पे आइडेंटिफाई किया था 1987 में। सुंदरबंस वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व लिस्ट के में भी आता है। ये जो लिस्ट मेंटेन की जाती है वो यूनेस्को मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम के आधार पर की जाती है। सुंदरबंस में 100 रॉयल बंगाल टाइगर्स हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में सुंदरबंस का जो एरिया है वो डिग्रेड हो रहा है काफ़ी सारे फैक्टर्स के कारण, जैसे क्लाइमेट चेंज, समुद्र का जो स्तर है बंगाल की खाड़ी में वो बढ़ रहा है, वाइड स्प्रेड कंस्ट्रक्शन देखने को मिल रही है, मैंग्रोव फॉरेस्ट को क्लियर किया जा रहा है कंस्ट्रक्शन और दूसरी फिशरीज रिलेटेड एक्टिविटीज के कारण। तो इस प्रकार से इन रीजंस के कारण, इन फैक्टर्स के कारण सुंदरबंस का डिग्रेडेशन देखने को मिल रहा है पिछले कुछ सालों में। इस वजह से जल्द ही सुंदरबंस को रामसर साइट का दर्जा मिल सकता है। टोटल एरिया सुंदरबन का है 4260 स्क्वायर किलोमीटर और इस टोटल एरिया में से 125 स्क्वायर किलोमीटर वेटलैंड का एरिया है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया सुंदरबंस के बारे में। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड रूरल लाइवलीहुड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के बारे में है। इस प्रोजेक्ट का मकसद ये है कि सिलेक्टेड लैंडस्केप्स जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एरियाज, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इन सिलेक्टेड लैंडस्केप्स में बायोडाइवर्सिटी को इम्प्रूव करना। किस प्रकार से? जो लोग उन सिलेक्टेड लैंडस्केप्स में रहते हैं उनके पार्टिसिपेशन को इंश्योर करके, ताकि उनको लाइवलीहुड में भी फायदा हो। तो मेनली दो मकसद है इस प्रोजेक्ट के, बायोडाइवर्सिटी को तो कंजर्व करना ही करना, लेकिन जिस एरिया में बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जा रहा है उन लोगों के लाइवलीहुड का भी ख्याल रखना। तो ये मेन दो ऑब्जेक्टिव्स हैं इस प्रोजेक्ट के। 2011 में इस प्रोजेक्ट को नेगोशिएट किया गया था वर्ल्ड बैंक के साथ। कौन इंप्लीमेंट कर रहा है इस प्रोजेक्ट को? जिस भी राज्य में इस प्रकार का प्रोजेक्ट चल रहा है उस राज्य का फॉरेस्ट या फिर वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट इंप्लीमेंट करता है इस प्रोजेक्ट को। फॉर एग्जाम्पल, अगर कान्हा नेशनल पार्क में बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड रूरल लाइवलीहुड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट चल रहा है, तो मध्य प्रदेश का जो फॉरेस्ट या फिर वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करेगा कान्हा नेशनल पार्क में। इसके अलावा सेंट्रल लेवल पे कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है कंजर्वेशन एंड सर्वे डिवीजन के द्वारा। ये डिवीजन आती है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर। ये डिवीजन मॉनिटर करती है इस प्रोजेक्ट की इंप्लीमेंटेशन को और कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करती है कंट्री लेवल पे। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी दिए गए हैं, जैसे इस प्रोजेक्ट के अंदर दो ऑब्जेक्टिव्स को कैसे फुलफिल किया जाता है, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना और लोकल लोगों के लिए लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज जनरेट करना। जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है डेवलपमेंट ऑफ ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। देखो ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट किस प्रकार से होता है, जब ना सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट की जो अथॉरिटीज हैं वो हिस्सा लेती हैं फॉरेस्ट मैनेजमेंट में, बल्कि जो लोकल कम्युनिटी है वो भी स्टेट अथॉरिटीज के साथ हिस्सा लेती हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन में, तो वो चीज़ कहलाती है ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट की सहायता से इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट किया जा सकता है। तो ये पूरा आर्टिकल था, अच्छा आर्टिकल था, इंपॉर्टेंट है। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल प्लास्टिक ईटिंग एंजाइम के बारे में है। 2016 में जापान में एक ऐसे बैक्टीरिया के बारे में पता लगा था जो प्लास्टिक को खाके उस प्लास्टिक को मिट्टी में बदल सकता है। उसके बाद से ही यूके के यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्ट्समाउथ के रिसर्चर्स और यूएसए के रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट के रिसर्चर्स रिसर्च कर रहे थे जापान में मिले उस बैक्टीरिया पर, लेकिन कुछ निकल के नहीं आया रिसर्च में। लेकिन इस रिसर्च के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि उस बैक्टीरिया पे
जब सूर्य की रोशनी से भी 10 अरब गुना ज्यादा जो चमकने वाली रोशनी है वो डाली गई, तो वो बैक्टीरिया एक एंजाइम में बदल गया और वो एंजाइम प्लास्टिक को उस बैक्टीरिया से भी 20 गुना ज्यादा जल्दी से खा सकता है। तो यानी अब रिसर्च ये है कि रिसर्चर्स ने एक ऐसे एंजाइम का पता लगाया है जो बहुत तेजी से प्लास्टिक को खा सकता है, खास करके पैट को। फुल फॉर्म है पैट की पॉलीइथाइलीन टेरीपैथैलेट। प्लास्टिक का ये फॉर्म बहुत ज्यादा यूज होता है सॉफ्ट ड्रिंक्स बोटल्स में, क्योंकि ये प्लास्टिक का ऐसा फॉर्म है, लाइट वेट है, शटर प्रूफ है, मतलब पानी लीक नहीं होता और मोल्ड करना भी काफ़ी ज़्यादा आसान है। इसके अलावा प्लास्टिक का ये फॉर्म पैट कपड़ों में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है पॉलिस्टर की फॉर्म में। और देखो जो एंजाइम है वो इस प्लास्टिक पे सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, इसीलिए जो एंजाइम मिला है प्लास्टिक को खाने वाला उस एंजाइम को नाम दिया गया है पेड्स। तो ये पूरा आर्टिकल था प्लास्टिक ईटिंग एंजाइम के बारे में। अगला आर्टिकल स्वेल वेव्स के बारे में है। कंटेस्ट क्या है? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी ने अलर्ट जारी किया है, इंडियन कोस्टलाइन पे स्वेल वेव्स आ सकती हैं। देखो स्वेल वेव्स एक प्रकार से वेव्स ही होती हैं, अगर ये वेव्स हैं तो स्वेल वेव्स वेव्स का एक टाइप है। ऑल दी वेव्स आर नॉट स्वेल वेव्स बट आर दी स्वेल वेव्स आर वेव्स। क्यों जनरेट होती हैं स्वेल वेव्स? स्वेल वेव्स जनरेट होती हैं विंड्स के कारण। लेकिन एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जिस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्वेल वेव्स जनरेट होती हैं स्टॉर्मी विंड्स के कारण, ना कि लोकल विंड्स के कारण। एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। ये इंडिया की कोस्टलाइन है। सी ब्रिज के बारे में और लैंड ब्रिज के बारे में आपने सुना होगा, एक बार जल्दी से देख लेते हैं। देखो दिन के समय जब सूर्य की रोशनी काफ़ी ज़्यादा होती है तो उस समय लैंड का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है तो प्रेशर कम हो जाता है। उसी समय ओशन का आपको पता है समुद्र का टेम्परेचर ना तो जल्दी से बढ़ता है और ना ही जल्दी से घटता है। तो दिन के समय जब लैंड का टेम्परेचर ज़्यादा होता है समुद्र का टेम्परेचर उतना ज़्यादा नहीं होता, तो इस वजह से प्रेशर ज़्यादा होता है समुद्र का। तो आपको पता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड चलती है, तो दिन के समय समुद्र से विंड चलती है लैंड की तरफ, इसको कहते हैं सी ब्रीज। उसी प्रकार से रात को उल्टा हो जाता है, रात को लैंड का टेम्परेचर कम हो जाता है जबकि समुद्र का टेम्परेचर एकदम से बढ़ जाता है। तो लैंड पे प्रेशर काफ़ी हाई होता है और समुद्र में प्रेशर काफ़ी ज़्यादा कम होता है, तो रात को हवा उल्टी चलती है, लैंड से चलती है समुद्र की तरफ, इसे कहते हैं लैंड ब्रिज। देखो ये जो लैंड ब्रिज और सी ब्रिज हैं ये लोकल विंड्स के टाइप्स हैं, इसके अलावा भी और भी काफ़ी सारी टाइप्स की होती हैं लोकल विंड्स, लेकिन फिलहाल एग्जाम्पल समझने के लिए सफिशेंट है। इस तरह की जो लोकल विंड्स हैं उन विंड्स की वजह से स्वेल वेव्स जनरेट नहीं होती। स्वेल वेव्स जनरेट होती हैं, मान लीजिए ये इंडिया की कोस्टलाइन है, ईस्ट कोस्टलाइन से 700 किलोमीटर की दूरी पर कोई स्टॉर्म आया है, मतलब कोई तूफान आया है, तो उस तूफान की वजह से जो हवा जनरेट होगी उस हवा की वजह से स्वेल वेव्स जनरेट होती हैं। और किस प्रकार की स्वेल वेव्स जनरेट होगी वो भी बेसिकली तीन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। पहला फैक्टर विंड की वेलोसिटी कितनी है, मतलब इंडिया की कोस्टलाइन से बहुत किलोमीटर्स दूर, फॉर एग्जांपल 700 किलोमीटर्स दूर कोई तूफान आता है, तूफान की वजह से विंड जनरेट होती है, उस विंड की वेलोसिटी कितनी है, कितने एरिया को, समुद्र के कितने एरिया को वो विंड प्रभावित कर रही है और कितने समय तक वो विंड चल रही है, ड्यूरेशन क्या है उस विंड का। तो इन तीन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि कोस्टलाइन पे जो स्वेल वेव जनरेट होगी उस स्वेल वेव का स्वरूप क्या होगा। आर्टिकल में हाइट वगैरह भी बता रखी है स्वेल वेव्स की, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जो हमारे देश में लो लाइंग कोस्टल एरिया है केरला के और वेस्ट बंगाल के वो ज़्यादा वल्नरेबल हैं अगर स्वेल वेव्स आती हैं इंडियन कोस्ट पे, तो इसीलिए अलर्ट जारी किया है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी के द्वारा। चलते हैं आगे, लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रैलिटी के बारे में है। कंटेस्ट क्या है? यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन की वर्कशॉप्स दुनिया भर में ऑर्गेनाइज हो रही हैं, तो इसी सीरीज में चौथी जो वर्कशॉप है इस कन्वेंशन की वो इंडिया में ऑर्गेनाइज हुई। पहले हम इस कन्वेंशन के बारे में जानते हैं, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। इस कन्वेंशन का मकसद है डेजर्टिफिकेशन से लड़ना, डेजर्टिफिकेशन को कम करना। पहले हम इस टर्म का मतलब जानते हैं, डेजर्टिफिकेशन मतलब मरुस्थलीकरण है क्या। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें लैंड डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाता है, खास करके एरिड एरियाज में और सेमी एरिड एरियाज में ये समस्या काफ़ी ज़्यादा होती है। मान लीजिए ये कोई एरिड एरिया है, यहाँ पे पहले थोड़ी बहुत वेजिटेशन है,
लेकिन क्लाइमेट चेंज के कारण या फिर ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण कुछ ऐसा हुआ कि ये एरिड एरिया या फिर सेमी एरिड एरिया मरुस्थल बनता जा रहा है, डेजर्ट बनता जा रहा है, तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे डेजर्टिफिकेशन। अब कन्वेंशन के बारे में जानते हैं। नाम है कन्वेंशन का यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ये कन्वेंशन उन देशों पर ज्यादा फोकस करती है जहां पे डेजर्टिफिकेशन की समस्या काफी ज्यादा है, वो देश जहां पे ड्रोट्स काफी ज्यादा आते हैं। इस कन्वेंशन का ड्राफ्ट तैयार किया गया था 17 जून 1994 को। साइन हुई ये कन्वेंशन अक्टूबर 1994 में पेरिस फ्रांस में, लेकिन फॉर्म में आई यानी इफेक्टिव हुई ये कन्वेंशन 1996 में जब 50 मेंबर कंट्रीज ने इसे रेटिफाई कर दिया। फिलहाल 197 यानी 197 पार्टीज हैं इस कन्वेंशन की, 196 तो देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन। डिपॉजिटरी कौन है इस कन्वेंशन का, कई बार यूपीएससी डिपॉजिटरी के बारे में भी पूछ लेती हैं। सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस डिपॉजिटरी हैं इस कन्वेंशन को इंप्लीमेंट करने के लिए। दो इंपॉर्टेंट बातें आप इस कन्वेंशन से संबंधित याद रखिएगा, एक इंडिया सिग्नेटरी है इस कन्वेंशन का और दूसरी ये कन्वेंशन लीगली बाइंडिंग है। तो याद रखिएगा इंडिया सिग्नेटरी है और लीगली बाइंडिंग ये कन्वेंशन है। अब आर्टिकल की तरफ आते हैं। तो जैसा हमने डिस्कस किया कि दुनिया भर में इस कन्वेंशन से संबंधित रीजनल वर्कशॉप्स को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। अभी तक ये रीजनल वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज हो चुकी हैं टर्की, इथोपिया और ब्राजील में। तो इसी सीरीज में चौथी रीजनल वर्कशॉप जिसका नाम है एशिया पैसिफिक रीजनल वर्कशॉप ऑफ यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ये चौथी वर्कशॉप इंडिया में ऑर्गेनाइज हुई, मतलब हो रही है। 24 अप्रैल से स्टार्ट हुई और 27 अप्रैल तक चलेगी यानी कल तक चलेगी। इस मौके पे एक रिपोर्ट को भी रिलीज किया गया, इकोनॉमिक्स ऑफ डेजर्टिफिकेशन लैंड डिग्रेडेशन एंड ड्रोट। तो यहां पे ये भी लिखा हुआ है कि 40 एशिया पैसिफिक नेशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स ने पार्टिसिपेट किया, मतलब पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस कन्वेंशन में। इस मौके पे हमारे जो इन्वायरमेंटल मिनिस्टर हैं उन्होंने एक बात कही कि 2030 से पहले पहले हमें लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी को अचीव करने की आवश्यकता है। इसका मतलब हम जानते हैं, लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी का मतलब सिंपल भाषा में ये है कि फूड सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए और इकोसिस्टम के फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए जितनी क्वांटिटी में जितने अमाउंट में लैंड रिसोर्सेज की आवश्यकता है, कम से कम उतने लैंड रिसोर्सेज स्टेबल अवस्था में होने चाहिए। मतलब उतने लैंड रिसोर्सेज का किसी भी प्रकार से डिग्रेडेशन या फिर डेजर्टिफिकेशन नहीं होना चाहिए। एक्चुअल में ये चीज ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में मेंशन है, SDG 15.2 यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 15 है सेक्शन 2, उसमें ये लिखा गया है कि 2030 से पहले पहले आपको पता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को 2030 तक अचीव किया जाना है। तो 2030 से पहले लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी को अचीव करना है। तो इस बात पे फोकस किया गया इस कन्वेंशन पे, जो ये रीजनल कन्वेंशन ऑर्गेनाइज की गई एशिया पैसिफिक रीजनल वर्कशॉप फॉर यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। तो ये पूरा आर्टिकल था लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी के बारे में। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल फ्लाई ऐश के बारे में है। कंटेस्ट डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फ्लाई ऐश के बारे में डिस्कस करेंगे। कंटेस्ट ये है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR और पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने मिलकर फ्लाई ऐश के नए यूज को खोज निकाला है। क्या है नया यूज? देखो, एक पेस्टिसाइड है जिसका नाम है BTI, पूरा नाम तो कुछ डिफिकल्ट सा है, याद रखने की आवश्यकता है नहीं। ये बायोपेस्टिसाइड इंसेक्ट्स को मारने का काम करता है। तो इस बायोपेस्टिसाइड के लिए करियर का काम कर सकेगा फ्लाई ऐश, ऐसी खोज की है ICMR और पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने मिलके। तो और इफेक्टिव ढंग से ये बायोपेस्टिसाइड काम कर सकेगा और इंसेक्ट्स को मार सकेगा। तो मेन यहाँ पे फ्लाई ऐश है, फ्लाई ऐश के बारे में हम डिस्कस करते हैं। फ्लाई ऐश कोल की कंबसन से निकलने वाला बायो प्रोडक्ट है। मतलब आपको पता है कोल के जो पावर प्लांट्स हैं उनमें हम कोयले को जलाते हैं, कोयले की कंबसन करते हैं। तो कोयले को जलाने से काफी सारे बायो प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं और उनमें से एक बायो प्रोडक्ट है फ्लाई ऐश, फाइनली डिवाइडेड, मतलब काफी पतला होता है फ्लाई ऐश और इन्वायरमेंट को काफी नुकसान पहुंचाता है, पोल्यूट करता है। आपने देखा होगा कि कोयले के जो पावर प्लांट्स हैं उनके आसपास जो पेड़ पौधे होते हैं उनके ऊपर एक पतली सी ग्रे कलर की परत जम जाती है। वो पतली सी ग्रे कलर की जो परत होती है वो फ्लाई ऐश होती है। तो काफी पोल्यूशन होता है फ्लाई ऐश से। फ्लाई ऐश में सिलिका होता है, एलुमिना होता है और अनबर्न कार्बन के छोटे छोटे पार्टिकल्स भी होते हैं। कलर ग्रे होता है और नेचर एल्कलाइन होता है। लेकिन देखो, एक अच्छी बात यह है, फ्लाई ऐश का इस्तेमाल किया जा सकता है सीमेंट की तरह।
वैसे तो जैसा हमने डिस्कस किया, इन्वायरमेंट को पोल्यूट करती हैं फ्लाई ऐश और प्लांट्स की यील्ड भी कम हो जाती हैं, लेकिन सीमेंट की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है फ्लाई ऐश को कंस्ट्रक्शन के लिए। इवन फ्लाई ऐश से जो ईंटें बनती हैं वो ईंटें काफ़ी हल्की भी होती हैं और काफ़ी लंबे समय तक चलती हैं। इसके अलावा फ्लाई ऐश को वेस्टलैंड को रिक्लेम में भी यूज किया जा सकता है, यानी वो लैंड जो अभी डिग्रेड हो चुका है उसको फिर से फर्टाइल बनाने के लिए फ्लाई ऐश का इस्तेमाल किया जा सकता है। फ्लाई ऐश से प्रोडक्टिविटी भी जमीन की बढ़ जाती है क्योंकि फ्लाई ऐश ज़्यादा समय तक वाटर को रिटेन कर सकती है। तो ये पूरा आर्टिकल था, चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल सैंड फिश के बारे में है। सैंड फिश फिश की कोई स्पीसीज नहीं है, ये छिपकली की एक प्रजाति है जो कि सैंड के नीचे रहना पसंद करती है। जिस प्रकार से मछली पानी के अंदर चलती है उसी प्रकार से सैंड फिश सैंड के नीचे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हैं। पैर जो होते हैं सैंड फिश के वो पैडल की तरह होते हैं, बॉडी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रीमलाइंड और फ्लेक्सिबल होती है, इसीलिए सैंड के नीचे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती है सैंड फिश। जनरली तो देखो सैंड फिश पाई जाती है नॉर्थ अफ्रीका और अरब देशों के डेजर्ट्स में। जैसे आप स्क्रीन पर ये पिक्चर देखिए, नॉर्थ अफ्रीका में जैसे सारा डेजर्ट है या फिर सऊदी अरेबिया में रूब अल खली डेजर्ट है, तो इन डेजर्ट्स में ये सैंड फिश पाई जाती हैं। लेकिन अभी कंटेक्स्ट ये है कि राजस्थान के थार डेजर्ट में भी सैंड फिश की एक स्पीसीज पाई गई है। सैंड फिश वैसे इंसेक्ट्स को खाती हैं, रेत के नीचे जब इंसेक्ट्स चलते हैं तो वो वाइब्रेशन करते हैं और पता लग जाता है सैंड फिश को उन वाइब्रेशंस की सहायता से कि वहां पे आसपास कोई इंसेक्ट है, तो इंसेक्ट्स को खा के अपना गुजारा करती है सैंड फिश। अब देखो यूपीएससी क्वेश्चन डायरेक्टली ना पूछे तो इनडायरेक्टली भी पूछ सकती है, जैसे इनमें से कौन सी फिश इंडियन ओशन में पाई जाती है। जैसे वहां पे ऑप्शन में हो सकता है स्टार फिश, टूना फिश, डुगोंग भी हो सकता है और सैंड फिश भी ऑप्शन में हो सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि सैंड फिश एक फिश है ही नहीं, ये तो छिपकली की एक प्रजाति है। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में है। आर्टिकल डिस्कस करने से पहले आप एक सिंपल क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इंडिया में कौन सी ऐसी पहली सिटी है जिसे वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा दिया गया है। चार ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है सूरत, दूसरा अहमदाबाद, तीसरा रायपुर और चौथा चंडीगढ़। जुलाई के करंट अफेयर में हमने ये डिस्कस किया था। इसका सही आंसर है अहमदाबाद। अहमदाबाद हमारे देश की पहली ऐसी सिटी है जिसे वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा दिया गया है। अभी फिलहाल आर्टिकल का कंटेक्स्ट ये है, नॉर्थ ईस्ट की 6 साइट्स को सरकार की तरफ से आइडेंटिफाई किया गया है टेंटेटिव रूप से, ताकि इन 6 साइट्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में जगह दिलवाई जा सके। कौन सी ये 6 साइट्स हैं नॉर्थ ईस्ट की? सबसे पहले हैं आपातानी कल्चरल लैंडस्केप अरुणाचल प्रदेश। स्क्रीन पर पिक्चर देखिए, पहली जो पिक्चर है वो है आपातानी लैंडस्केप अरुणाचल प्रदेश। दूसरी साइट जिसे आइडेंटिफाई किया गया है आइकॉनिक साड़ी वीविंग क्लस्टर्स ऑफ इंडिया। साड़ी की बुनाई होती है, उन क्लस्टर्स को आइडेंटिफाई किया गया है सरकार के द्वारा ताकि इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में दर्जा दिलवाया जा सके। तीसरे नंबर पे माउंट यानी टीला ब्यूरियल सिस्टम ऑफ अहोम डायनेस्टी असम। ये ब्यूरियल सिस्टम जो था अहोम डायनेस्टी का असम में, इसको भी सरकार ने आइडेंटिफाई किया है। चौथे नंबर पे नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में। पांचवें नंबर पे रिवर आइलैंड, ब्रह्मपुत्र रिवर के बीच जो मंजुली आइलैंड है, सबसे बड़ा आइलैंड है, सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है पूरे वर्ल्ड का, तो इसको भी आइडेंटिफाई किया है सरकार ने। और सबसे लास्ट में 6 नंबर पे थैमबैंग फोर्टिफाइड विलेज, ये भी अरुणाचल प्रदेश में। तो यहाँ पे देखिए ब्यूरियल सिस्टम के बाद ये है नामदफा नेशनल पार्क, उसके बाद वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड मंजुली आइलैंड और यहाँ पे थैमबैंग फोर्टिफाइड विलेज अरुणाचल प्रदेश में। हम बात करें वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की, तो यूनेस्को के द्वारा लिस्ट किया जाता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को स्पेशल कल्चरल और फिजिकल सिग्निफिकेंस के तौर पे। लिस्ट मेंटेन की जाती है इंटरनेशनल वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम के अंदर और इस प्रोग्राम का एडमिनिस्ट्रेशन होता है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के द्वारा। इस कमेटी में 21 यूनेस्को के जो मेंबर स्टेट्स हैं उन मेंबर स्टेट्स से रिप्रेजेंटेटिव्स शामिल होते हैं इस कमेटी में, जिनको चुना जाता है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा। कुल मिलाकर देखो सिंबोलिज्म ज़्यादा है, अगर किसी साइट को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा देता है यानी लिस्ट में शामिल करता है, तो बताने की ये कोशिश होती है कि ये जो साइट है वो उसको प्रिजर्व करना पूरे वर्ल्ड के इंटरेस्ट में है, क्योंकि कल्चरल सिग्निफिकेंस से वो साइट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार का सिंबोलिज्म अटैच होता है अगर यूनेस्को किसी साइट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा देता है। जुलाई 2017 तक 1073 साइट्स को लिस्ट किया है यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में, जिसमें 832 कल्चरल हेरिटेज साइट्स हैं, 206 नेचुरल साइट्स हैं, 35 मिक्स्ड प्रॉपर्टीज़ हैं।
और इन सभी साइट्स को आइडेंटिफाई किया गया है 167 स्टेट्स में। इटली में सबसे ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं 53। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम 2018 में एनवायरनमेंट की रिवीजन का ये हमारा 11th लेक्चर था। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।